आज मसाला किचन में बन रहा है कलाकंद सिर्फ दूध और चीनी से। आज हम बना रहे हैं कलाकंद। कलाकंद अक्सर बनाने में हमें यही लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, पर आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि बहुत जल्दी बनेगा, टेस्टी भी बनेगा। हमारे चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें 50 वो विनर्स होंगे जिसके साथ हम वीडियो कॉल करेंगे, 25 वो विनर्स होंगे जिन्हें घर बैठे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाली है। ये सब कब तक है और कैसे है ये आपको हमारा फर्स्ट कमेंट देखना होगा, और बहुत ही जल्दी, बस 31 जुलाई तक है, जल्दी जल्दी कीजिए। मिठाइयों की बात हो और कलाकंद का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कलाकंद एक अपने आप में सिंपल सी मिठाई है लेकिन टेस्टी बहुत है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जिसे कलाकंद प्रिय नहीं होगा, बहुत ही अच्छा होता है। कलाकंद चाहते तो हम पनीर से भी बना सकते थे, बन जाता है, पर वो टेस्ट नहीं आ पाता जो एक्चुअल हमें चाहिए। हमें कई मिठाइयों पे, मिठाई के दुकानों पे बहुत अच्छा मिलता है, कई मिठाई दुकानों पे अच्छा नहीं मिलता है। तो हमें बनाना है प्योर दूध से। कैसे बनाएं, जल्दी बनाएं, तो मैंने यहाँ पर फुल क्रीम 1.5 लीटर दूध रख दिया है जिसे हम फाड़ेंगे, इसका छेना बनाएंगे। और ये देखिए 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध है जिसे हमने पैन में रख दिया है और इसे हम दूसरे गैस पर उबलने रख देते हैं। ये देखिए दूध उबलने लगा, गैस बंद करेंगे। और जैसे हम छेने के लिए दूध को थोड़ा ठंडा करते हैं जब हम रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं, लेकिन इसमें हमें बहुत ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गैस भी बंद ही रखना है। यहाँ पर लिया मैंने पानी, ये देखिए करीब 1 कप पानी है। इसमें मैं करीब 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर ले रही हूँ, ठीक। और अगर विनेगर नहीं है तो नींबू भी ले सकते हैं, नींबू का रस। और इसे फाड़ने के लिए आपको धीरे धीरे डालना होगा जिससे हम जो ये पनीर फाड़ रहे हैं हमें सॉफ्ट मिले। पहले थोड़ा डाला, इसको थोड़ा सा चलाएंगे, फट तो गया है लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा फटना चाहिए। हर चीज़ अलग अलग तरीके से होती है, जैसे चीज़ फाड़ना बताया था वो बिल्कुल ही अलग था, पनीर फाड़ना बताती हूँ मैं वो बिल्कुल ही अलग होता है, छेना फाड़ना थोड़ा अलग होता है, और इसे भी हम किस तरीके से फाड़ रहे हैं देखिए। अब ऑलमोस्ट ये फट चुका है, इसका बस पानी थोड़ा बिल्कुल अलग हो जाए। यस, अब जो पानी है ये दूध नहीं रहा, ये पानी है, बस थोड़ी सी कसर थी। ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। इससे करने से क्या होगा कि ये जो छेना है या ये पनीर है वो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलेगा। पानी अलग हो गया है। यहाँ देखिए मैंने एक बाउल रखा है, स्ट्रेनर रखा है, उस पर एक पतला कॉटन का कपड़ा रखा है, कॉटन की चुन्नी हो वो भी ले सकते हैं। अब ये जो पानी है इसे हम किसी दूसरे यूज़ में ले सकते हैं, आटा गूंदने में या किसी ग्रेवी में डालने के लिए। इसमें डालेंगे हम सादा ठंडा पानी जिससे इसकी पूरी तरीके से खटास निकलनी चाहिए। हमें कोई वजन नहीं रखना इसके ऊपर, ऐसे ही छन्नी में रखना है थोड़ी देर के लिए जब तक हमारा वो वाला दूध गाढ़ा ना हो जाए, लेकिन इसका पानी डालना बहुत ज़रूरी है। 1-2 बार और पानी डाल दीजिए और इसी तरीके से छन्नी में रहने दीजिए। यहाँ देखिए करीब करीब मैंने 3-4 लीटर इसके ऊपर पानी डाला और इसे हाथों से निकाल निकाल के इसका खट्टापन सारा हटा दिया। अब ये सुपर सॉफ्ट बिल्कुल ये छेना बनकर तैयार हुआ है। इसे हम इसी तरीके से छन्नी में रखेंगे कि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। यहाँ देखिए ये जो छेना था उसका पूरा पानी निकल चुका है। अब इस छेने को हम पोटैटो मैशर से या फोर्क से इसे मैश करेंगे। कभी भी ये गलती मत करना कि ये सीधा उठा के आप दूध में डालेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, तो ये ध्यान से आपको इसे अच्छे से मैश करना है। और कुछ नहीं हो तो ग्रेटर से ग्रेट कर दीजिए, पर सबसे अच्छा फोर्क घर में होता है, उससे आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अगर हम 1 लीटर दूध को कढ़ाई में रखते और 1 लीटर का छेना बनाते तो होता क्या, टाइम ज़्यादा लगता। अभी क्या हमने 1.5 लीटर इधर लिया है छेने के लिए और 1/2 लीटर को खाली बॉईल करना है, तो हमारा बहुत कम टाइम में ये कलाकंद बनके
तैयार हो गया। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊंगी, वैसे तो हम फ्रेश दूध से ही हमेशा बनाएं, थैली वाले दूध से ही बनाएं, अच्छी बात है, पर इन केस जैसे फॉरेन में लोग रहते हैं, कई जगह से मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारे यहाँ फ्रेश दूध मिलता ही नहीं है, पनीर भी बड़ी दिक्कत से मिलता है, तो आप मिल्क पाउडर से सारा काम कर सकते हैं। मिल्क पाउडर से आप इसे फाड़ भी सकते हैं, हमारे वीडियो देखिए कैसे मैंने मिल्क पाउडर को फाड़ा है, कैसे मैंने रसगुल्ला बनाया है, कैसे मैंने पनीर बनाया है, कैसे मैंने दही बनाई है, तो ये सारे वीडियो मेरे पास हैं, तो आप उसे देखिए, तो उस हिसाब से आप ये दोनों ही काम कर सकते हैं, आपका कलाकंद मिल्क पाउडर से भी बन सकता है। यहाँ देखिए मैंने आधा लीटर जो दूध रखा था गैस पर, उसे उबाल उबाल के मैंने इस तरीके से कर दिया, करीब मुश्किल से एक कप बचा है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी ली है, ये पूरी नहीं डालूँगी, ठीक है, मैं इसे अभी आधी डालूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है, और एक साथ डालूंगी तो वो पानी पानी हो जाएगा, तो अभी मैं सिर्फ इसे आधा ही डाला है, मतलब 1/4 कप, इसे पहले उबालेंगे। ये चीनी डालने के बाद भी उबलने लगा है, अब हम इसमें थोड़ी चीनी और डालेंगे, और मुझे लगता है अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए तो ये डालिए, अगर थोड़ा लाइट मीठा आप इस कलाकंद को पसंद करते हो तो थोड़ी चीनी बचा भी देंगे तो चलेगा, आधे कप से थोड़ी चीनी कम डालिए। यहाँ मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, एक तो चीनी इस वक्त डालिए, ऐसा नहीं कि पहले आपने छेना डाल दिया, पनीर डाल दिया, फिर चीनी डालोगे तो मुंह में लास्ट में चीनी चीनी आएगी, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, चीनी पहले ही आपको दूध में डालनी है, वो भी 2-3 बार करके डालनी है। अब ये हम पनीर डालेंगे, छेना जिसको बोलते हैं, पनीर बोलते हैं, सॉफ्ट सा पनीर बोल सकते हैं आप इसे। अब फुल गैस कीजिए और इसे कंटिन्यूसली चला लीजिए, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम इसे स्लो गैस पे पकाएंगे तो कलर चेंज हो सकता है, तो हमें इस वक्त फुल गैस पे ही पकाना है और कंटिन्यूसली चलाना है। अब यहाँ देखिए इसमें पानी अलग, दूध अलग, चीनी अलग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो ये साइन बिल्कुल ठीक है। अब हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, करीब 5 मिनट मैंने पका लिया है, अब इसे हम एक बर्तन में निकालना है जिसमें हमें कलाकंद रखना है। कलाकंद का मतलब होता है सॉफ्ट सी मिठाई, भले ही हमें नेक्स्ट डे काटनी पड़े, 10-12 घंटे बाद काटनी पड़े, पर होनी वो सॉफ्ट ही चाहिए। अगर हमने इसे ज़्यादा पका लिया तो वो बर्फ़ी लगेगी, हमें बर्फ़ी नहीं चाहिए, बर्फ़ी होनी चाहिए पर ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ही सॉफ्ट वाली, गिल गिली सी बर्फ़ी। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँगी कि ये जितनी बनी है 2 लीटर दूध से बनी है, अगर इस वक्त जैसे आम का सीज़न है, आपने 2 बड़े आम ले लिए और उसे ग्राइंड करके और उसमें इस वक्त मिला दिए, मिलाएंगे कब, जब ये पूरी थोड़ी ठंडी होगी, कढ़ाई में ठंडा कीजिए और फिर आम मिला लीजिए और फिर सेट कर दीजिए, तो वो आम का कलाकंद बन जाएगा, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी के सीज़न में स्ट्रॉबेरी को कर सकते हो, कोई और सीज़न आपको अच्छा लगे, कोई और ऐसा फ्रूट आपको पसंद हो इसमें, तो वो भी डाल सकते हैं, पर अभी मैंने प्योर बनाया है दूध से, ये व्रत वाले दिन भी आप खा सकते हैं, कोई कॉर्नफ्लोर, कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं मिलावट है, तो सोमवार को राखी पड़ रही है, कभी ऐसा भी होता है कि हमारा व्रत हो तो ऐसे में हम कौन सी ऐसी मिठाई है भाई को खिलाएं या भाई बहन को खिलाएं, तो ये बिल्कुल प्योर है और दूध से बनी हुई है, कुछ ऐसा मिला नहीं है इसमें कि हम नहीं बना सके। अब इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन डाल दीजिए, मुझे पर्सनली इसमें सिर्फ पिस्ता पसंद आता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स के साथ मैंने बता दिया है, अब आप बिल्कुल परेशान ना हो, मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं इसे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ये जब तक ठंडी ना हो तब तक मैं इसको नहीं बता सकती, अभी हमें ऐसे ही रखना है।
इस कलाकंद को हमने सेट करने के लिए रख दिया था। कलाकंद को इस तरीके से कट लगा लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट है। आप कटने से ही समझ जा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। कलाकंद का मतलब ही होता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, और यही एक मिठाई होती है जो सिर्फ दूध और चीनी से बनाई जा सकती है। बिल्कुल भी इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, तो चाहे आप व्रत में भी खाएं, चाहे आप जैसे भी बनाएं, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। और ख़ास जो तरीका बताया है जिससे आप पनीर छेने को ज़्यादा फाड़ें, मतलब 1.5 लीटर को फाड़ें और उधर 0.5 लीटर रखें, तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी ये मिठाई। इसे आप फ्रिज में रखें 8 से 10 दिन तक, ना तो ये टाइट होगी और ना ही ये ख़राब होगी। इसे पर कवर करके रखें फ्रिज में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न करें।